इस्लामाबाद में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक की क्रॉकरी, चीनी कांटा, चाकू, चम्मच, प्लास्टिक कटलरी, ढक्कन वाले कंटेनर, बॉक्स, कप, प्लेट, प्याले समेत फौरी खाने या मशरूब से मुतलका प्लास्टिक फूड सर्विस के सामान पर पाबंदी शामिल है। इस्तेमाल करने वाले पर 5,000 जुर्माना होगा, फरोख्त करने वाले पर 10,000 जुर्माना आयद होगा। These children are turning day trash into cash, earning a daily amount of around 300 to 400 rupees. Most of them inherited this profession from their families. हमारा जो proper waste है जो 500-600 टन है, जिस पे हमने दो ट्रांसफर स्टेशन बनाए, एक लैंडफिल साइट हमारी थी नहीं जब से सीडीए बना है, क्योंकि सोसाइटीज़ के करीब जब जगह आप एलोकेट करते थे तो वो लोग जो है कोर्ट चले जाते थे। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन वाला सिस्टम नहीं है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए जिसमें प्रॉपर जो हमारे पास डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम सेपरेट जो है वो कलेक्ट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम सेपरेट कलेक्ट करते हैं, और जो रिसाइकलेबल आइटम्स होती हैं उनको हम बिल्कुल सेपरेट। हमारे पास जो 90% प्लास्टिक है वो बेसिकली आपका इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। कि आप पाकिस्तान में हर शहर, गांव, छोटा शहर हो, बड़ा हो, आप जहां भी जाएं आपको वेस्ट नज़र आएगा। इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में कचरा सबका है और कचरा किसी का भी नहीं है, राइट? कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। विद मोर देन 3.3 million टन ऑफ प्लास्टिक वेस्टेड ईच ईयर इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद अलोन प्रोड्यूसेस अराउंड 700 टन ऑफ वेस्ट डेली, including about 150 ton of plastic waste. इसमें ऑर्गेनिक जो है हमारा तकरीबन जो स्टडी की हमने मजदूरों के साथ मिलकर 52% वो है, और फिर उसमें प्लास्टिक है जो है बच्चों के जो पेपर वगैरह वो उसकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा है। प्लास्टिक अगर इम्प्रॉपरली अगर हम देखें जो डंप होता है तो वो हमारे जी वाटर बॉडीज़ के अंदर जा रहा है। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ में जा रहा है तो जो वो माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो बेसिकली आपके एक्वाटिक जिनको हम आबी जानवर कहते हैं वो उसको इनटेक कर रहे हैं। जब वो इनटेक करते हैं तो ऑब्वियसली फूड चेन के थ्रू जो है वो ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम करते हैं। प्लास्टिक जो है मेल्ट होता है तो सॉइल के अंदर जा रहा है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के साथ वो जो है वो मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से वही अगेन हम फूड इनटेक करेंगे तो वो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के। ज़्यादातर प्लास्टिक बैग जो हैं वो चोक कर देते हैं आपकी सीवरेज लाइंस को, डिफरेंट नालास को। इसकी हमने रिसेंट में एक एग्जांपल देखी थी कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग, या आपका जो बारिश का पानी है या सीवरेज वाटर है वो आपका कई कई दिन खड़ा रहता है, जिससे फिर आपकी जो है वो वायरल डिजीज़ होती है। But what is plastic? Why is it harmful to the environment? And why is it excessively used across Pakistan? पाकिस्तान में जो प्लास्टिक के अगर हम वेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास पर एनम जनरेट होता है 3.3 million टन्स। 3.3 million टन्स को अगर हम पाइल अप करें तो ये बेसिकली आपके पास दो माउंट एवरेस्ट जितनी जो है वो एक माउंटेन बन सकता है। प्लास्टिक हमारे पास एक बेसिकली बाई प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा प्लास्टिक जनरेट होता है वो बेसिकली हम लोग फॉसल फ्यूल से जनरेट होता है, जिसमें हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मैक्सिमम अमाउंट में जो है ना ये प्लास्टिक जो है वो जनरेट होता है। हमारे तो सराउंडिंग में हर चीज़ जो है वो बेसिकली मेड अप जो है वो बनी हुई है प्लास्टिक से। क्यों? इसकी वजह ये है कि प्लास्टिक एक तो ईजीली एक्सेसिबल है, दूसरी बात ये ड्यूरेबल भी है, ठीक है, और तीसरी बात ये लॉन्गिविट है, मतलब कि काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो चल सकता है। ये जो हम पॉलीथाइलीन बैग्स जिनको हम आपने लोकल लैंग्वेज में शॉपर बैग कहते हैं, बेसिकली ये जो नॉर्मल बैग है ये आपके पास 500-600 ईयर्स लेता है डिकम्पोजन। इन 2019 द फेडरल गवर्नमेंट एट द टाइम बैंड द यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन द कैपिटल। Initially, the ban was implemented by small and medium enterprises, but it was not followed by small retailers.
Eventually, a few years after the ban, plastic bags are being used in the day-to-day commercial activities across the country. मैं 480 रुपए देते हैं किलो, वो हमें मुनासिब भी पड़ते हैं। कपड़े के जो बैग हैं वो तकरीबन अगर कम से कम भी करें तो 50 रुपए का मिलेगा ही, वो आप किसी कस्टमर को नहीं दे सकते कि हमसे आप 50 रुपए का बैग खरीदें। ये कम्प्लीमेंट्री हम देते हैं जो शॉपर वाला है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। बात यह कि हम खुद भी ये चाहते हैं कि ये शॉपर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये आलूदगी फैलाते हैं ना, लेकिन उसमें हमें बहुत सारे मसले दरपेश आ रहे हैं। एक तो कस्टमर जो कोई चीज़ लेने वाला होता है वो जो दूसरा गवर्नमेंट ने शॉपर इशू किया है ना, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर कोई बड़ी चीज़ लेनी हो तो उसमें तो चलो चल जाता है। अभी जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई दो चार चपातियाँ ले रहा है या दो चार रोटियाँ ले रहा है, वो शॉपर कहाँ अफोर्ड कर रहा है। हम तो यकीन करो, हमने पहले जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था तो हमने शॉपर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन कस्टमर इतना बेस और मुबासा करते हैं कि हमें कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमें मजबूरन फिर वापस यही चलाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास वो कोई 30 रुपए का बैग आता है, कोई 25 रुपए का बैग आता है। ये लिक्विड चीज़ तो इसमें जा नहीं सकती। कपड़े की थैली होनी चाहिए पैराशूट में, जो वो हमें बैग से ठीक है महंगी पड़ती है, लेकिन वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिलते हैं हमें 350 रुपये केजी, और इनका नुकसान ये है कि ये आलूदगी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे जो काश्तकार भाई हैं ये ज़मीन में जाने से इसका बहुत, ये ना तो जल्दी गलता है, ये तकरीबन इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ है। फ़र्क तो है, थोड़ा सा कास्टली पड़ेगा, लेकिन जो पुराने बाबे थे ना वो थैला लेके जाते थे अपना, इसलिए मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना थैला ले आए तो बेहतर है। कपड़े का बैग थोड़ा सा महंगा होता है, पर वो यूज़ के लिए अच्छा होता है, मतलब उससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता और जल्दी जल्दी कोई फेंकता भी नहीं। शॉपर जो है ये अगर गंदे हो जाते लोग फेंक देते हैं, और इससे जो है पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि इसको आग भी लगाई जाए फिर भी ये ख़त्म नहीं होता। टॉप टू बॉटम अप्रोच में अब आपने डिसीजन तो ले लिया, अल्टरनेटिव्स का अगर आप देखें तो कॉमन पीपल से ही पूछें तो वो कहेगा कि इसका अल्टरनेटिव आपने क्या दिया। अच्छा, पोलेथाइलीन बैग से हम लोग शिफ्ट हुए हैं पोले प्रोपाइलीन बैग के ऊपर, है तो वो भी प्लास्टिक, लेकिन चलें ठीक है, वो लेस मोनोमर से मिलकर बनी हुई है। तो पहली तो बात यह है कि अल्टरनेटिव का बहुत बड़ा इशू था। दूसरी बात यह है कि हमने इसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। स्टेक होल्डर बड़ी ज़रूरी होती है। स्टेक होल्डर्स में आपके पास छोटा छाबड़ी फरोश से लेकर आपके पास इंस्टीट्यूट के हेड तक, आपने इन सब लोगों को शामिल करना था। देखें ना, मैक्सिमम लोग तो यही यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो एवरेज एक शॉपकीपर जो फ्रूट वाला है वो कहता है कि मैं 5 से 7 किलो प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करता हूँ। हमारा साउथ एशियन जो रीजन है, इसमें बांग्लादेश हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बांग्लादेश ने बेसिकली 50 माइक्रोन से बिलो जो प्लास्टिक है उसकी इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने कम्प्लीटली तौर पर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी। अच्छा, जब उन्होंने पाबंदी की आयद कर दी तो उसके बाद उन्होंने एक अल्टरनेटिव जो जूट, जो लोकल फाइबर है, उसका जो है वो प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी, तो जिसकी वजह से प्लास्टिक में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी हो गई। Globally, only 9% of plastic waste is recycled. Studies suggest that more plastic is reused, the more toxic it becomes. Waste management experts say the problem with plastic is that it is expensive to collect and sort. Pakistan jo hai wo South Asia ke andar sabse zyada jo hai wo plastic waste produce karta hai. Hamare paas recycling facilities jo hain wo bahut hi kam hain. When we talk about the challenges with plastic, I mean it does make up a big proportion of the recyclables that we get. बिकॉज अगर हम कंज्यूमर लेवल पर देखें तो शायद प्लास्टिक ही आप सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, चाहे वो एक पानी की बोतल हो या आपकी शैम्पू की बोतल हो या आपका दही का कंटेनर हो, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, थैलियाँ हो। द मेजर चैलेंज विद रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स इज़ दैट देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट नीड टू गो to different types of facilities to be recycled properly. And Pakistan mein there are not very many proper recycling facilities.
So Saaf Sutra Shahar is our company's name and we are set up as a private sector company. हमने ये कंपनी 2016 में स्टार्ट की थी और इसका जो विजन था जो आइडिया था वो ये था कि वी वांट टू प्रोवाइड फॉर्मल रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस टू पीपल एंड एंटिटीज कमर्शियल एंड एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज इन इस्लामाबाद जो एट दैट टाइम एंड इवन नाउ एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं ज़्यादातर ये जो पूरा सिस्टम है वेस्ट मैनेजमेंट का वो काफ़ी हद तक इनफॉर्मल सेक्टर में चल रहा है एंड वी वांटेड कि कोई एक रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन आए जिसमें जो एनवायरमेंटली एथिकल भी हो सोशली एथिकल भी हो और उसमें जो वेस्ट है वो भी एक सही तरीके से मैनेज हो सके. वेस्ट तो 500-600 टन पर जो है पर डे है हमारा जो हमारे ट्रांसफर स्टेशन पे जाते हैं जो कि उस पर हमने कवर्ड ट्रांसफर स्टेशन बना रहे हैं. उससे पहले जो है आपकी EIA रिपोर्ट होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होती है वो आपकी हो जाए और इर्द गिर्द आपने देखना है कि कितने किलोमीटर पर लोग रह रहे हैं ताकि उनके लिए मसला ना हो. फिर आपका जो वेस्ट जिस रोड पर जा रहा है वो उसकी किस तरह लेआउट होगा उस जगह तक पहुँचने के लिए. फिर आपकी जो जगह जो है वो उसकी जो साइल होगा वो देखना है कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कैसा है. वो बहुत प्रॉपर एक टेक्निकल ये काम है. लोग रह रहे होते हैं इसके करीब उसकी अभी डिस्टेंस होता है कि कितने किलोमीटर पे लोग होंगे तो फिर साइट सेलेक्ट होगी. ये पूरा एक प्रोसेस होता है. A 3-bin system was introduced many areas across Pakistan, but it failed to achieve the success. प्राइमरी कलेक्शन से ही हम 3-bin system जो है वो ला रहे हैं जो घर वाले ही मतलब तीनों जो हैं जो बिन होंगे जो सैलड होगा वो उसमें फेंकेंगे ग्रीन और इस तरह के हम तीन कलर्स के हम बिन ला रहे हैं जो कि वो डिफरेंट बिन के अंदर जो है उस वेस्ट के हिसाब से वो उसमें डालते रहेंगे. जो कचरा है वो सबका होता है किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको मैनेज करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी रिक्वायर दैट हुएवर पार्टनर्स विद अस हुएवर साइंस अप विद अस दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेपरेट द वेस्ट यानी के पेपर प्लास्टिक मेटल ग्लास टेट्रापैक्स एक्सेट्रा उसको वो सही वाली बिन्स में डालें और सेपरेट करें और ताकि फिर हम उसको ईजिली कलेक्ट करके उसको सही से रिसाइकल कर सकें. जो आपका इनफॉर्मल कबाड़िया सिस्टम है वी डोंट सी इट एज अ चैलेंज बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ये जो आपका सिस्टम चल रहा है इट इज़ डूइंग अ सर्विस बाय मैनेजिंग अ लॉट ऑफ द वेस्ट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय हाउसेज एंड कमर्शियल एंटिटीज. अगर ये सिस्टम ना होता तो शायद वेस्ट के पहाड़ हमारे शहरों में खड़े होते. कैन पाकिस्तान कॉम्बैट इट्स प्लास्टिक प्रॉब्लम. इंटरनेशनल अब जिन्हें देखते हैं बाहर भी कंपेयर करते हैं तुर्की को चाइना को या अमेरिका या यूएस जिसको भी हम लोग करते हैं ये हम लोग वो चीज़ें पिक करते हैं जो कि हमारे इस्लामाबाद के लिए वो अच्छी जो उनकी चल रही होती हैं कामयाब हो रही होती हैं तो वो हम कर रहे होते हैं. लेकिन ज़ाहिर है यहाँ की पब्लिक और उसकी वहाँ की पब्लिक का थोड़ा फ़र्क है. वो जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं इनको ज़रा हमें टाइम लगता है बताने पर. UNDP की हमने रिसेंट स्टडी जो है वो आई उसमें हमने देखा कि जो प्लास्टिक का हमारे पास जो सॉल्यूशन है प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल करने के लिए वो ये है कि हम लोगों को तीन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो सप्लाई चेन है उसको इसके अलावा हमारे पास डेटा को और इसके अलावा हमारे पास हमने सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है. सप्लाई चेन में हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास उसका सप्लाई चेन का ओवरऑल एक डाटा मौजूद होना चाहिए. डाटा जो है वो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कितनी प्लास्टिक जो है वो उसके लिए ज़रूरी है या वो कितनी प्लास्टिक यूज़ कर रहा है. क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो वो हम किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे लेंगे तो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास तभी आएगी जब हमारे पास रेलेवेंट डाटा अवेलेबल होगा. सर्कुलर इकॉनमी में ये है कि हम लोगों ने रीयूज़ की तरफ जाना है रिसाइकल की तरफ जाना है रिड्यूस की तरफ जाना है. अभी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी आ गया रीथिंक भी करना है कि हम सोचें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो काज हो रही है या प्लास्टिक की जो है वो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है. आई थिंक ऑन द गवर्नमेंट लेवल जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम को फॉर्मलाइज करना है. ठीक है जो आपका इतना बड़ा इनफॉर्मल सिस्टम चल रहा है दिस नीड्स टू बी फॉर्मलाइज्ड इन सम वे फॉर वेरी मेनी रीजंस. एक तो ये है कि जो आपकी इन्वायरमेंटली एंड सोशली अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस वेस्ट को प्रोसेस करने की चल रही होती हैं
वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आए ताकि जो हार्म होता है लोगों को या एनवायरनमेंट को इसकी प्रोसेसिंग से वो कम हो जाए. सेकेंडली जो आपका पूरा इनफॉर्मल सेक्टर जिस पर हम वेस्ट पिकर्स वगैरह काम करते हैं उनको अगर एक प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट में लाया जाए, यही वो जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से करें, बेहतर तरीके से कर सकें, जहाँ पर उनको फेयर वेजेस भी मिले और उनकी मतलब के हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. बिकॉज एट द मोमेंट इसको कोई नहीं देख रहा कि ये क्या, कि ये वेस्ट कैसे उठाया जाता है, इसके साथ क्या होता है. लेक्चर देने से किसी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा. जब तक वो सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, वो बच्चे और यंग पीपल रोज़ अपनी डेली लाइफ्स में सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो ये चेंज नहीं आ सकता.